लोग तो जन्मदिन अलग अलग तरीके से मनाते आए हैं, मगर इस बार पूरी कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि हम उनके जन्मदिन को अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों पर जो लोकल मसले हैं उनको लेकर के हमारे नौजवान, हमारी महिलाएं, हमारे बुज़ुर्ग उन समस्याओं को हाईलाइट करते हुए उनके जन्मदिन को याद करेंगे। तो इसलिए यूथ कांग्रेस ने हमारे स्टेट में एक मैराथन रैली का इंतज़ाम किया है और एक अच्छे उद्देश्य के साथ में, ताकि इस दिन को भी हम लोगों के लिए समर्पित करें, लोगों के काज के लिए समर्पित करें जो हमारे देश के राहुल गांधी जी का हमेशा से मानना रहा। मीर साहब, कश्मीर में सीज फायर किया गया था, उसको वापस वहाँ पर ले लिया गया, कि क्या आप मानते, क्या फैसला वहाँ पर था? मैंने लगातार कहा, कश्मीर, जम्मू कश्मीर का मामला हमेशा भारत देश ने एक राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा इसके बारे में सोचा और एक देश को साथ लेकर हमेशा फैसले लिए गए। ये वाहिद मौका है कि जब भारतीय जनता पार्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट की कोलिशन एकतरफा सोच करके अपने फैसले लेती है, और चाहे सीज फायर की बात है वो भी उनका यूनिलेटरली फैसला था। अब जब उसमें कामयाबियां नहीं मिली बल्कि नुकसान ज़्यादा दिखाई दिए और दुम दबा के यूनिलेटरली उन्होंने उस सीज फायर को भी जो वापस लिया है एक महीने के अंदर ही, हमें उम्मीद थी कि कम से कम अमरनाथ यात्रा पूरा होने तक ये सरकार सफलतापूर्वक इस सीज फायर को चलाएगी, मगर चूँकि वो सरकार में है उनको ज़्यादा पता होगा कि ये सीज फायर से हमें फ़ायदे कितने मिले थे या नुकसान कितने मिले। ज़्यादा अच्छा रहता कि वो इन इश्यूज़ को लेकर देश में सर्वसहमति बनाते, ऑल पार्टी मीटिंग्स बुला लेते, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ऑन बोर्ड लेते, शायद पहले भी ये अच्छा रिजल्ट दे देता, आज भी देश को उसमें शामिल करके आगे के लिए पॉलिसी वाजिया कर लेता। लगातार हमने कहा इनके पास कोई पॉलिसी